अध्याय एक, जन्म तथा बाल लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में उस समय अवतीर्ण हुए जब पश्चिम तथा पूर्व दोनों का रूपांतरण हो रहा था। यूरोप में पुनर्जागरण युग विकासशील था, जो नाविकों को नए कार्यक्षेत्र ढूंढने, खगोलज्ञों को आकाश का अन्वेषण करने तथा विद्वानों को ब्रह्मांड के विषय में तथ्य खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। इन सभी ने सम्मिलित रूप से पारंपरिक व्यवस्था तथा धारणाओं को ध्वंस कर दिया। भारत में भी उस समय विभिन्न प्रकार का पुनर्जागरण हो रहा था। अनेक सामाजिक घटकों, उदाहरणार्थ मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रचार के दबाव और हिंदू समाज में उच्च जाति के कुप्रेरित सदस्यों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न ने उपमहाद्वीप में भक्ति आंदोलन को पुनर्जागृत करने में सहयोग दिया। नवद्वीप बंगाल की पवित्र गंगा के तट पर स्थित होने तथा विद्वता के केंद्र के रूप में ख्यात होने से आकर्षित हो उस समय अनेक ब्राह्मण वहां आकर रहने लगे। ऐसे ही एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र थे, जो पूर्वी बंगाल से आकर नवद्वीप के पास गंगा नदी के तट पर स्थित मायापुर में बस गए। जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी भगवान कृष्ण के उदात्त भक्त थे। दुर्भाग्यवश नवद्वीप का शैक्षणिक वातावरण भौतिक विद्वता तथा कुतर्कता पर आधारित होने के कारण अत्यंत भौतिकतावादी था। तर्क तथा अर्थगत छल में अपनी प्रवीणता पर नवद्वीप के विद्वानों तथा अध्यापकों को अभिमान था। अधिकतर ब्राह्मणों ने, जो पारंपरिक अनुष्ठानों को संपन्न करने की औपचारिकता से संतुष्ट थे, वास्तविक धर्म तथा भगवान की प्रामाणिक भक्ति अर्थात कृष्ण भावना मृत की चिंता करनी छोड़ दी थी। उनमें से कुछ जो भगवत गीता पढ़ाते थे, वे भी इसके वास्तविक भक्तिमय सार को समझाने के स्थान पर शुष्क मनोकल्पनाओं का वमन करते थे। अनपढ़ जनता की धार्मिक आकांक्षाएं भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु देवता पूजा से आगे न जा सकी। इसके अतिरिक्त बंगाल मुसलमानों के शासन में था और अनेकों मुसलमान नवद्वीप में रहते थे। इसके कारण हिंदुओं को न केवल अत्याचार का सतत भय सताता रहता था, साथ ही साथ उन्हें सार्वजनिक गोहत्या के जघन्य अधार्मिक कुकृत्य को भी सहन करना पड़ता था। श्री अद्वैताचार्य नवद्वीप के छोटे किंतु समर्पित वैष्णव समाज के कर्णधार थे। वे तुलसी पत्र तथा गंगा के जल से भगवान कृष्ण की पूजा करते तथा उनसे प्रार्थना करते कि वे अवतरित होकर स्थिति को सुधारें। उनकी प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर में भगवान कृष्ण ने शची देवी के गर्भ में प्रवेश किया। उनकी गर्भावस्था 13 महीनों की थी। इस काल के दौरान जगन्नाथ मिश्र ने अपने घर में अनेकों बार दिव्य प्राणियों को देखा, फिर भी वे समझ नहीं पाए कि देवता भगवान चैतन्य से प्रार्थना करने आ रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन की पूर्णिमा शक संवत 1407 यानी 18 फरवरी 1486 ईस्वी को संध्या काल में मायापुर में प्रकट हुए। इसके पूर्व शची माता ने 8 पुत्रियों को जन्म दिया था, जो जन्मोपरांत देहावसान कर गईं। तदुपरांत उन्होंने 1 पुत्र को जन्म दिया, जो जीवित रहा तथा जिसका नाम विश्वरूप रखा गया। विश्वंभर उनका अंतिम पुत्र था। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय प्रकट हुए। नवद्वीप के हिंदू निवासी परंपरानुसार ग्रहण के समय गंगा में खड़े होकर हरि के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे थे। हरि हरि जप करते सुन अनेक मुसलमान उनका उपहास करने हेतु उनकी नकल उतारने लगे। इस प्रकार जब संपूर्ण नवद्वीप श्री हरि के नामों से ध्वनित हो रहा था, तब गौर हरि ने स्वयं को प्रकट किया। जब अद्वैताचार्य की पत्नी श्रीमती सीता देवी नवजात शिशु को देखने आईं, तब वे समझ गईं कि न केवल इस सुंदर गौरवर्ण बालक का स्वरूप भगवान कृष्ण के समान है, अर्पितु वे स्वयं कृष्ण ही हैं, मात्र वर्ण भिन्न है। चूंकि बालक ने नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिया था तथा शची माता के अधिकांश शिशु असामयिक देहावसान कर गए थे, प्रत्यक्षतः बुरी आत्माओं के प्रभाव से, जिनके विरुद्ध नीम का पेड़ प्रभावशाली होने के कारण प्रसिद्ध है,
सीता देवी ने शिशु की सुरक्षा के लिए उसका नाम निमाई रख दिया। भगवान चैतन्य के नाना नीलांबर चक्रवर्ती एक विद्वान ज्योतिष थे। अपने नाती की कुंडली बनाते हुए वे समझ गए कि ये शिशु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु उन्होंने ये रहस्य छुपाए रखा। शिशु का नामकरण करने के लिए नीलांबर चक्रवर्ती अन्य संबंधियों तथा स्थानीय विद्वानों से मिले। उन्होंने ये घोषणा की, जैसे ही शिशु ने जन्म लिया वैसे ही सूखे का अंत हो गया। धरती पुनः प्रसन्न तथा समृद्ध हो गई, मानो भगवान नारायण स्वयं धरती की रक्षा कर रहे हों। इसलिए शिशु का नाम विश्वंभर यानी जगत का पालनहार रखा गया। अंततः उनकी कुंडली में लिखा था कि वो अपने कुल का कांतिमय दीपक होंगे। निमाई उनका दूसरा नाम हो सकता है। नामकरण संस्कार के दौरान ब्राह्मणों ने मंगलकारी श्लोकों का उच्चारण किया तथा देवता वेश बदलकर स्थानीय व्यक्तियों में शामिल हो शंख घंटियां बजाते हुए भगवान हरि के पवित्र नामों के कीर्तन में भाग ले रहे थे। शिशु के समक्ष अनेक वस्तुएं रखी गई थीं, जैसे अक्षत, पोहा, एक पुस्तक, एक सिक्का, स्वर्ण तथा चांदी। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, पुत्र विश्वंभर, कृपया सुनो, जो तुम्हारे चित्त को आकर्षित करे उस वस्तु को ग्रहण करो। सभी वस्तुओं की उपेक्षा करते हुए शिशु ने श्रीमद् भागवतम को उठाकर गले लगा लिया। सभी प्रसन्न होकर कहने लगे, ये एक प्रतिष्ठित पंडित बनेगा, ये एक प्रतिष्ठित पंडित बनेगा। बालक निमाई स्नेही पड़ोसी महिलाओं के साथ जो नियमित रूप से उसे मिलने आती एक खेल खेलता। निमाई रोना प्रारंभ कर देता तथा तभी शांत होता जब वे हरी हरी पुकारती। इस प्रकार वो उन्हें पूरा दिन जप करने के लिए प्रेरित करता तथा जगन्नाथ मिश्र का घर निरंतर कृष्ण नाम से ध्वनित होता रहता। एक दिन शची माता और जगन्नाथ मिश्र घर के प्रांगण में निमाई को एक विशाल सर्प के साथ खेलता देख भयभीत हो गए। वे नहीं जानते थे कि क्या करें, परंतु कुछ समय पश्चात सर्प भगवान के चारों ओर रेंगने लगा, फिर बिना क्षति पहुंचाए चला गया। वास्तव में वो सर्प भगवान विष्णु के शैया का कार्य करने वाले अनंत देव थे। एक बार दो चोर उस क्षेत्र में आए। उनकी विशेषता बच्चों का अपहरण करके उनके आभूषण चुराना थी। निमाई को देखकर उन्होंने उन्हें उठाया और भाग गए। अपने प्रिय निमाई को न पाकर व्याकुल शशिदेवी ने अपने पड़ोसियों को उसे ढूंढने के लिए कहा। इधर भगवान की माया के वशीभूत हो भ्रमित चोर जगन्नाथ मिश्र के घर के पिछवाड़े का एक चक्कर काटकर वापिस आ पहुंचे। बहुत से लोगों को बच्चे की खोज में लगे देखकर उन्होंने निमाई को जल्दी से नीचे उतारा और भाग खड़े हुए। जैसे जैसे निमाई बड़े हुए अपने बाल्यकाल में वे कृष्ण की भांति नटखट हो गए। कृष्ण का एक नाम है दुष्ट मोहन, जिसका अर्थ है नटखट बालक। वे दुष्ट यानी नटखट हैं, परंतु साथ ही साथ अपने मनोरम व्यवहार से चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। निमाई में भी ये गुण हैं। एक बार उनकी माता ने उन्हें मिट्टी खाते हुए पकड़ा। उन्होंने पूछा, मैंने अभी तुम्हें अनेक सुस्वाद मिठाइयां दी हैं, फिर तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? निमाई ने उत्तर दिया, इनमें क्या अंतर है, ये सब एक हैं। मिठाई मिट्टी से उत्पन्न की जाती है, अतः यदि मैं मिठाई खाऊं या मिट्टी, ये सब एक ही बात है। विद्वान वैष्णव ब्राह्मण की पत्नी होने के कारण शशि माता ये समझ सकती थी कि निमाई अद्वैतवाद के भ्रांतिपूर्ण दर्शन का प्रतिपादन कर रहा है। शशि माता ने उदाहरण दिया कि चाहे एक मिट्टी का पात्र मात्र मिट्टी का रूपांतरण है, फिर भी मिट्टी के ढेले का पात्र की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। मिट्टी पानी का संग्रहण तभी कर सकती है जब इसे पात्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। उसी प्रकार चाहे मिठाइयां मिट्टी से उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन कच्ची मिट्टी मिठाई के समान पोषण नहीं कर सकती। एकत्ववाद की अव्यवहारिकता को स्वीकार करते हुए विश्वंभर ने इच्छा व्यक्त की, अब से मुझे मिठाई दीजिए, मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। एक शाम निमाई ने पूर्ण चंद्रमा को देख कर कहा, मैया मैया, मुझे चंद्रमा ला कर दो। वो रोने लगे।
शची देवी घर के भीतर से कृष्ण का चित्र ले आई तथा उसे अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। जब स्वर्णवर्णी गौरचंद्र भगवान चैतन्य ने भगवान कृष्ण के श्यामवर्णी रूप को देखा तो वे शांत हो गए। जब एक विशेष ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए नवद्वीप पहुंचे तब जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें अपने घर पर रहने के लिए स्थान दिया तथा उनकी शालग्राम शिला को भोग अर्पण करने के लिए चावल तथा अन्य सामग्री प्रदान की। जैसे ही ब्राह्मण ने पकाकर भोग अर्पण किया उसी समय शिशु निमाई ने उसमें से कुछ चावल खा लिए। ब्राह्मण को दुख हुआ कि उसका भोग चंचल निमाई द्वारा दूषित कर दिया गया है, परंतु जगन्नाथ मिश्र के आग्रह पर वे पुनः पकाने के लिए सहमत हो गए। जब ब्राह्मण इस नए भोग को अर्पण कर रहे थे तब निमाई फिर से आ गए तथा उसमें से कुछ खा लिया। इस बार जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को एक कक्ष में बंद कर दिया। फिर ब्राह्मण से अत्यधिक क्षमा याचना करने के पश्चात उनसे पुनः भोग तैयार करने के लिए कहा। अर्धरात्रि का समय था और सभी सो रहे थे। जब तीर्थयात्री ने पुनः भोग लगाया तब कहीं से शिशु निमाई आ गए और पुनः उसका भोजन ग्रहण कर लिया। ब्राह्मण विलाप करने लगा। उन्होंने सोचा, भगवान विष्णु नहीं चाहते कि मैं आज भोजन करूं, मैंने अवश्य कोई अपराध किया होगा। निमाई ने तब कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही वो भगवान विष्णु हूं जिसके लिए तुम प्रतिदिन भोग तैयार करते हो? फिर उन्होंने ब्राह्मण को अपना चतुर्भुज विष्णु स्वरूप दिखाया। यह समझने पर कि जो शिशु उन्हें परेशान कर रहा था वो स्वयं उनके प्राणधन भगवान हैं, ब्राह्मण दिव्य आनंद से विहल हो गया। दो ब्राह्मण भक्त हिरण्य तथा जगदीश नवद्वीप में दूर पड़ोस में रहते थे। एक एकादशी पर उन्होंने विस्तृत पूजा की तथा उनकी प्रसन्नता हेतु सुस्वादु व्यंजन बनाए। किसी तरह शिशु निमाई को यह सूचना प्राप्त हो गई तो वे घर से चलकर उनके द्वारा पकाए गए सुस्वादु व्यंजन मांगने लगे। हिरण्य तथा जगदीश चकित थे कि बालक को किस प्रकार ज्ञात हुआ कि उन्होंने विशेष भोग पकाया है, फिर भी उन्होंने उसे प्रसन्नता से भोजन दे दिया। अधिकांशतः मध्याह्न के समय जब ब्राह्मण गंगा में खड़े होकर प्रार्थनाएं करते और गायत्री मंत्र का जप करते तब नटखट निमाई उन पर पानी उछालता, पानी के नीचे जाकर उनकी टांगे पकड़कर उनका संतुलन बिगाड़ देता, उनके शरीर पर थूक कर उन्हें बारंबार स्नान करने के लिए बाध्य कर देता। जो नदी किनारे स्नान कराते उन पर बालू फेंकता और पुरुष तथा स्त्रियों के वस्त्रों को मिला देते, जो सभी के लिए विशेष कष्ट का कारण बनता। एक बार जब निमाई ने देखा कि ब्राह्मण उसकी शिकायत करने के लिए जगन्नाथ मिश्र के पास जा रहे हैं, वे तुरंत पानी से बाहर आ गए, अपने वस्त्र धारण किए, हाथों पर स्याही लगाई और घर चले गए। जब उनके पिता ने ब्राह्मण की शिकायत के विषय में बताया तब वे बोले, देखिए पिताजी, मैं तो पाठशाला से आ रहा हूं, मेरी अंगुलियां देखिए, मैं तो गंगा गया ही नहीं, वे मिथ्या दोषारोपण कर रहे हैं। एक बार निमाई ने खेल खेल में अपनी माता को हल्के से मारा, शची माता मूर्छा का स्वांग करके गिर पड़ी। पड़ोसी औरतों ने निमाई से कहा, प्रिय बालक, कहीं से एक नारियल ले आओ, तभी तुम्हारी माता स्वस्थ होंगी। निमाई बाहर की ओर दौड़े तथा तुरंत ही दो नारियल के साथ वापस लौट आए। कोई नहीं जानता कि उन्होंने नारियल इतनी शीघ्रता से कैसे प्राप्त किए। उस क्षेत्र की नन्हे कन्याएं गंगा के पास एकत्रित होकर भगवान शिव की प्रार्थना करती थीं। वे उनसे अच्छे पति प्राप्त करने का वर मांगती थीं। निमाई उनके बीच बैठ जाते तथा भगवान शिव के लिए रखी वस्तुओं तथा भोग की मांग करते। निमाई उन्हें कहते, मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें अच्छे पति का वरदान दूंगा। देवी गंगा दुर्गा मेरी दासियां हैं, अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या, भगवान शिव भी मेरे दास हैं। निमाई उन्हें चेतावनी देते कि यदि उन्होंने बात नहीं मानी तो वे श्राप दे देंगे, जिससे कि उन्हें यानी कन्याओं को ऐसे बूढ़े पति प्राप्त होंगे जिनकी पहले की कई पत्नियां हों। कन्याएं उन्हें झिड़कती मानो क्रोधित हों, परंतु मन ही मन वे इस परिहास का आनंद लेती। एक दिन गंगा के तट पर चलते समय निमाई लक्ष्मीप्रिया नामक एक बाला से मिले। वो वास्तव में लक्ष्मी का अवतार थी। चूंकि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं, वे उनकी नित्य संगिनी हैं। भेंट होने पर उनका नित्य प्रेम जागृत हो उठा। भगवान विष्णु की पूजा के लिए लक्ष्मीप्रिया माला, मिठाई तथा अन्य वस्तुएं लाई थीं,
परंतु उन्होंने वो सारी सामग्री निमाई को अर्पण कर दी। एक दिन शची देवी ने देखा कि निमाई फेंके गए खाना पकाने के बर्तनों के ढेर पर बैठे हुए हैं। ये देखकर उन्होंने निमाई को ऐसे दूषित स्थल पर बैठने के लिए डांटा। निमाई ने उत्तर में शुद्धता तथा अशुद्धता की प्रकृति की जटिल व्याख्या प्रस्तुत की। माता, ये शुद्ध है और वो अशुद्ध है, ये तो एक तथ्यहीन निराधार सांसारिक दृष्टिकोण है। आपने इन बर्तनों में भगवान विष्णु के लिए पकाया है और वही भोजन उन्हें अर्पित किया है, फिर ये पात्र किस प्रकार अछूत हो सकते हैं? विष्णु से संबंधित प्रत्येक वस्तु को विष्णु की शक्ति का अंश माना जाना चाहिए। विष्णु परमात्मा हैं, नित्य हैं और परम पवित्र हैं, फिर इन पात्रों को क्यों शुद्ध अथवा अशुद्ध माना जा रहा है? अपने पुत्र की दार्शनिक योग्यता को जानकर शची देवी अत्यंत चकित थी, फिर भी व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर निमाई को ढेर से नीचे उतारकर स्नान करवाया। एक बार स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि एक दिव्य व्यक्ति निमाई को बारंबार डांटने के लिए उनकी भर्त्सना कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र ने समझाया कि बालक शरारती है। दिव्य पुरुष ने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र एक महान व्यक्ति है तो फिर उसे उपदेश देने से क्या लाभ है? श्रेष्ठ होगा कि ऐसा ना करो। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, चाहे मेरा पुत्र भगवान नारायण क्यों न हो, मैं उसका पिता हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पुत्र को अनुशासन में रखूं और मैं ऐसा करता रहूंगा। जगन्नाथ मिश्र के वात्सल्य भाव से संतुष्ट होकर दिव्य पुरुष अप्रकट हो गए। एक बार निमाई ने अपनी माता के चरणों पर गिरकर प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु दान में दें। उनकी माता ने कहा, प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगी। तब निमाई ने प्रार्थना की, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी पर अन्न न ग्रहण करें। शची माता ने सहमति देते हुए कहा, यह विचार उत्तम है, मैं एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। जब विश्वरूप ने सुना कि उसके माता पिता उसके विवाह के लिए प्रबंध कर रहे हैं, तब वो चुपचाप घर से चले गए तथा वापिस न आने की प्रतिज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। निमाई ने शोकाकुल माता पिता को यह कहते हुए ढांढस बंधाया कि विश्वरूप का संन्यास कुल के लिए मंगलकारी है, तथा आश्वासन दिया कि वे घर पर रहकर बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे। एक बार जब एक भिक्षु ढोल बजाते हुए तथा भगवान शिव का गुणगान करते हुए आया, तब तरुण निमाई ने भगवान शिव का रूप धारण करके उनके भक्त के कंधों पर नृत्य किया। समय आने पर जगन्नाथ मिश्र ने निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया और उन्हें गंगादास पंडित की पाठशाला में भेजा। तर्क, व्याकरण तथा दर्शन में शीघ्रता से निपुणता प्राप्त करके निमाई पंडित योग्य विद्वान के रूप में पहचाने जाने लगे। परंतु इस काल के दौरान उन्हें अपने पिता के आकस्मिक देहावसान का दुख भी भोगना पड़ा। तदुपरांत शची माता, जो घर पर रहने वाले अपने एकमात्र पुत्र निमाई से अधिक प्रेम करती थीं, उन पर पूर्णतया निर्भर हो गईं।